श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने दिल्ली से काली विधायक व पार्टी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित तख्त श्री हजूर साहब के प्रबंध को लेकर भाजपा सरकार पर दखल देने संबंधी लगाए आरोपों पर कहा है कि किसी भी सरकार को किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और काफी देर तो 13वां अमृतसर सागर शुकराना समागम तय कराए रहे ने। इस तो पहला भी भाटिया साहब देखो जेडे कीर्तनीय सिंह चाहे नवे कीर्तनीय सिंह जेडे उभर रहे कीर्तनीय सिंह सीगे या पुराने सीगे उन्होंने उन्होंने दिया कैसटा रिकॉर्ड करके और गुरबाणी गुरु दे प्रचार लई उन्होंने नरोल गुरबाणी दिए या कैसटा उन्हों दी रिकॉर्ड करके ये जड़े उन्होंने उत्साहित करते रहे ने। और मैं समझदा कि अज के जेडे नवे नवे कीर्तनीय सिंह ने नौजवान कीर्तनीय सिंह ने पुराने तो है ही ने उन्होंने उत्साहित करने उन्होंने इस कीर्तन दे दी दात दी प्राप्ति दे विच और कीर्तन करके संगतां नूं निहाल करन दे विच गुरबाणी गुरु का प्रचार करन दे विच जो योगदान सरदार बलबीर सिंह जी भाटिया का है वो व्यक्ति विशेष शायद ही किसी का मैं देखा होवे क्योंकि मैं 11 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी रहा और इन्हां दी इस अंथक मेहनत सदका अज इन्हों का बेटा भी जड़ा है वो इस ही अपने पिता के नक्शे कदम से चलता होया वो भी जड़ा है वो इस लाइन के बीच ही इन्हों का हम सफर बनया होया साथी बनया होया और सारा परिवार जड़ा है ये गुरबाणी दे इस प्रचार ते प्रसार लई एक बड़ा योगदान जड़ा है ये भाटिया परिवार जड़ा बरसाह बलबीर सिंह भाटिया का ये पा रहा है। और इस तो बाद बड़ी अच्छी गल ये है कि हर साल ये अमृत सागर शुकराना समागम भी कराते हैं। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।